स्वागत है। मैं खुशबू सोनी ले चलती हूँ आपको सीधे मुख्य समाचारों की ओर। आज के मुख्य समाचार, जिला कलेक्टर महेंद्र सोनी को दी विदाई। जालौर महोत्सव को लेकर उपखंडों पर हुई बैठकें। पुष्कर के अजय रावत रेत पर उकेरेंगे जालौर की कलाकृतियां। कांग्रेस जनों ने पूर्व मंत्री स्वर्गीय पायलट को दी श्रद्धांजलि। टैक्सी यूनियन ने दी जिला कलेक्टर को विदाई। विधानसभा में उठाई ईआर क्लस्टर घोषणा की मांग। विद्यालय के स्टोर रूम में लगी आग, दस्तावेज जले। जालौर में जन्मे संत पाली में डबल स्कूटर बाबा के नाम से प्रसिद्ध। विद्यालयों में हुई बालकों के स्वास्थ्य जांच। सुंदा पर्वत पर मारू लोहार समाज ने मनाई विश्वकर्मा जयंती। भाजपा द्वारा पंडित दीनदयाल का मनाई पुण्यतिथि। 11 महिलाएं सहित 75 लोगों ने किया रक्तदान। बेंगलुरु में गुंजेगी खेतला जी की भजन संध्या। बेंगलुरु में 7 दिवसीय सार्वजनिक कार्यक्रम संपन्न। अब समाचार विस्तार से। जिला कलेक्टर महेंद्र सोनी को दी विदाई। सुरेश गर्ग रोटला की रिपोर्ट के अनुसार जालौर जिला कलेक्टर महेंद्र सोनी के जालौर से आयुक्त सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जयपुर के पद पर स्थानांतरण पर कलेक्टर सभा कक्ष में सोमवार को अधिकारियों एवं कर्मचारियों, मीडिया कर्मियों व आर्यवीर दल आदि संगठनों ने समारोह आयोजित कर विदाई दी। विदाई समारोह में जिला कलेक्टर महेंद्र सोनी ने कहा कि जालौर में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की एक शानदार टीम है जिसने हर सौंपे गए कार्य को बखूबी निभाया है। वही उन्होंने आर्यवीर दल के खेल प्रतियोगिताओं में विशेष सहयोग तथा समय समय पर मीडिया कर्मियों से कार्य की सक्रियता की बात कही। जालौर महोत्सव को लेकर उपखंडों पर हुई बैठकें। सुरेश गर्ग रोटला की रिपोर्ट के अनुसार आहोर समिति सभागार में जालौर महोत्सव मनाने की तैयारियों को लेकर SDM प्रशांत शर्मा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया जिसमें आगामी 15 से 17 फरवरी तक होने वाले जालौर महोत्सव मनाने हेतु कार्यक्रम की गतिविधियों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान आहोर उपखंड मुख्यालय पर भी महोत्सव को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम व विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इसी तरह जसवंतपुरा से महेंद्र प्रजापत की रिपोर्ट के अनुसार उपखंड कार्यालय में सोमवार को SDM पुष्पा कुंवर सिसोदिया, तहसीलदार रामलाल मीणा व विकास अधिकारी सुनीता परिहार की अध्यक्षता में जालौर महोत्सव को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सुंदा माता तिराहे पर रन फॉर जालौर एवं विभिन्न खेल के आयोजन की बात कही। पुष्कर के अजय रावत रेत पर उखेरेंगे जालौर की कलाकृतियां। सुरेश गर्ग रोडला की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान की मिट्टी में खेलते खेलते मिट्टी पर ही कलाकृतियां बनाने के शौक से पुष्कर के अजय रावत को एक अलग पहचान मिली है जो जालौर महोत्सव 2020 के दौरान अपनी कलाकृतियों से जालौर की ऐतिहासिक, धार्मिक व अन्य कलाकृतियां उखेर कर हर किसी को दंग कर देंगे। समन्वयक हितेश प्रजापत ने बताया कि राजस्थान के मारवाड़ की धरती वीरों व महापुरुषों की धरती है। ऐसे में इस धरती की मिट्टी में कई बार पैदा हुए जिन्होंने इस माटी की रक्षा के खातिर अपना जीवन न्योछावर कर दिया। उन सभी से जुड़ी कई ऐतिहासिक कलाकृतियों का अजय रावत सजीव रूप देंगे। कांग्रेस जनों ने पूर्व मंत्री स्वर्गीय पायलट को दी श्रद्धांजलि। जिला मुख्यालय से उजीत सिलावट की रिपोर्ट के अनुसार जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा सोमवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं किसान नेता स्वर्गीय राजेश पायलट की जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम राजीव गांधी भवन जालौर में आयोजित किया गया जिसमें समस्त कांग्रेस जन ने किसान केसरी स्वर्गीय राजेश पायलट की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें याद किया गया। कांग्रेस जन ने उनके बताए गए मार्गों एवं आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष सोहन सिंह देवड़ा, जिला प्रवक्ता योगेंद्र सिंह कुंपावत, राजीव गांधी, पंचायती राज राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र कसाना, जिला सचिव सरोज चौधरी सहित कांग्रेस जन मौजूद थे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। नाकोड़ा टाइल्स, टाइल्स की सैकड़ों वैरायटी, फर्श,
किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान नाकोड़ा टाइल्स नारायण पथ मानपुरा कॉलोनी जालोर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। टैक्सी यूनियन ने दी जिला कलेक्टर को विदाई। अंबालाल माली की जानकारी के अनुसार सुबह जालोर जिला कलेक्टर के निवास पर टैक्सी यूनियन के जिला अध्यक्ष अंबालाल माली के नेतृत्व में सभी सदस्यों ने कलेक्टर महेंद्र सोनी का माला व साफा पहनाकर अभिनंदन के साथ विदाई दी। इस मौके पर टैक्सी यूनियन के लालाराम सोलंकी, फुसाराम मेघवाल, कुयाराम मेघवाल, भीमाराम माली, हीरालाल देवासी, शैतान सिंह, महेंद्रपुरी सहित काफी संख्या में टैक्सी चालक मौजूद रहे। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने टैक्सी यूनियन के सभी सदस्यों का आभार जताया। विधानसभा में उठाई ईआर क्लस्टर घोषणा की मांग। सुरेश गर्ग रोडला की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान विधानसभा के चतुर्थ सत्र में आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने अपनी बात को रखते हुए विधानसभा में कहा कि जालोर जिले में पेयजल की भारी समस्या को देखते हुए नर्मदा पेयजल योजना की स्वीकृति दी गई है। इसमें एआर, डीआर, एफआर, ईआर जैसे मुख्य प्रोजेक्ट बनाए गए, उसके बाद उनके ही क्लस्टर बनाए गए, लेकिन ईआर मेन प्रोजेक्ट का कार्य भी स्वीकृत है और पूर्णतया की ओर है, लेकिन ईआर क्लस्टर के लिए अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है। जबकि ईआर क्लस्टर के अंतर्गत सांचोर, भीनमाल, जालोर और आहोर विधानसभा के 250 गांव में पेयजल की कमी की पूर्ति के लिए यह क्लस्टर की आवश्यकता जताते हुए मांग। विद्यालय के स्टोर रूम में लगी आग, दस्तावेज जले। चितलवाना से ओम प्रकाश पवार की रिपोर्ट के अनुसार कलजी बेरी गांव स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के स्टोर रूम में मंगलवार शाम को अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। जानकारी मिलते ही विद्यालय के संख्या प्रधान मौके पर पहुंचे, वहीं ग्रामीणों के सहयोग से आग को काबू किया गया। आग से स्टोर रूम में रखे सामान जल चुके हैं। जालोर में जन्मे संत पाली में डबल स्कूटर बाबा के नाम से प्रसिद्ध। मोद्रा से जगमाल सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट के अनुसार निकटवर्ती गांव सेरना के भट्ट परिवार में जन्मे एक संत जन्म का नाम फुलाराम, जिन्होंने वैराग्य का रास्ता अपनाकर, जिन्होंने पाली में गुरु से दीक्षित होकर विवेकानंद महाराज डबल स्कूटर वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। विद्यालयों में हुई बालकों के स्वास्थ्य जांच। चितलवाना से मोहनलाल कड़वासरा की रिपोर्ट के अनुसार राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुराड़ो आरवा क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें 35 बच्चे उपस्थित थे एवं 3 बच्चों का उपचार किया गया। टीम में डॉक्टर सुभाष सैनी, डॉक्टर सदाफू परवीन व पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा जांच कर उपचार किया गया। विद्यालय टीचर रतिराम चौधरी एवं पर्यावरण प्रेमी मोहनलाल कड़वासरा व छात्र छात्राओं की उपस्थिति में किया गया। सुंदर पर्वत पर मारू लोहार समाज ने मनाई विश्वकर्मा जयंती। जसवंतपुरा से महेंद्र प्रजापत की रिपोर्ट के अनुसार कस्बे के निकटवर्ती सुंदर पर्वत पर स्थित अखिल भारतीय मारू लोहार समाज की धर्मशाला में भगवान विश्वकर्मा का प्रकट्य महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। महोत्सव को लेकर प्रातः 8 बजे श्री गणेश व विश्वकर्मा की स्थापना, अखंड ज्योत के साथ विश्वकर्मा व शांति हवन यज्ञ, पूजा अर्चना, महाआरती व महाप्रसादी का भोग लगाया गया। इसके बाद गुजरात व राजस्थान से आए सैकड़ों पट्टी परागना के प्रमुख समाज बंधुओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया तथा हवन यज्ञ में आहुतियां दी गई। दोपहर में महाप्रसादी का आयोजन के साथ विश्वकर्मा जयंती का भव्य आयोजन किया गया। भाजपा द्वारा पंडित दीनदयाल का मनाई पुण्यतिथि। परशुराम जमोनी की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी जालोर कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय समर्पण दिवस का कार्यक्रम आयोजन हुआ, जिसमें भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र गहलोत, जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह राव, पूर्व जिला अध्यक्ष रविंद्र सिंह बालावत, जिला प्रभारी घनश्याम डागा, बबूताराम सोलंकी सहित सभी मंडल अध्यक्ष व पदाधिकारीगण मौजूद रहे। प्रदेश उपाध्यक्ष ने दीनदयाल के ऊपर अपनी उपलब्धियां गिनाई, साथ ही कार्यक्रम के पूर्ण होने पर जिला कलेक्टर को अशोक गहलोत सरकार के विरुद्ध बिजली का बिल ज्यादा बनाने के विरोध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। 11 महिलाएं सहित 75 लोगों ने किया रक्तदान। जसवंतपुरा से महेंद्र प्रजापत की रिपोर्ट के अनुसार रक्तकोष फाउंडेशन एवं जम्बेश्वर मंदिर कमेटी केतु संखाला जोधपुर के संयुक्त तत्वावधान में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें गांव के युवाओं, मातृशक्ति सहित गांव के लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान में भाग लिया। शिविर प्रभारी लाधुराम मैनेजर व सूबेदार बंसीलाल ने बताया कि जम्बेश्वर मंदिर प्रांगण केतु गांव में
सात दिवसीय जांबानी हरिकथा के समापन समारोह में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया, जिसे मंदिर कमेटी अध्यक्ष रीडमल राम विश्नोई ने लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया गया। शिविर में 11 महिलाओं सहित 75 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। बेंगलुरु में गूंजेगी खेतला जी की भजन संध्या। संपत राम भाटी की रिपोर्ट के अनुसार श्री सोनाना खेतला जी का विशाल भव्य जागरण में बेंगलोर की धन्य धरा पर 16 फरवरी को होगा। भक्त शिरोमणि रमेश कुमार भंडारी को शुभ आशीर्वाद में कार्यक्रम का आयोजन होगा। संपत राम भाटी ने बताया कि जिसमें राजस्थान के सुप्रसिद्ध गायक कलाकार दुर्गेश मारवाड़ी, अशोक रोहिंडी, ज्योति शर्मा एवं मंच संचालक राजेंद्र परिहार पाली द्वारा होगा। इस दौरान श्री सोनाना खेतला जी भक्त परिवार बेंगलुरु जागरण को लेकर तैयारियां जोरों पर, भक्त परिवार से बाबूलाल, श्री श्रीमाल, शांतिलाल सोनी, ललित भंडारी, जयपाल सोनीग्रा, चत्राराम चौधरी, धर्माराम सिरवी आदि भक्तगण मौजूद। बेंगलुरु में 7 दिवसीय सार्वजनिक कार्यक्रम संपन्न। जेसीआई बेंगलुरु गार्डन सिटी द्वारा 7 दिवसीय प्रभारी सार्वजनिक जेसी रोड जैन कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में 30 सहभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के अंतिम 2 दिन में विनोद संसद, जिसमें सहभागियों ने इस कला के माध्यम से व्यंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था, और विदाई समारोह जिसमें प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया था। जेसीआई के अध्यक्ष HGF ऋषभ पनानी, तात्कालिक पूर्व अध्यक्ष हितेश गिरिया, उपाध्यक्ष जेसी माधवी लूनिया, कार्य संचालक नरेश गादिया तथा कार्य निर्देशक जेसी महावीर कनुंगा के नेतृत्व में सम्पन्न किया गया। और अन्य मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार आज शहर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय जालौर।